एक वीडियो सर्कुलेट होता है नेट पे जिसमें मेरे हाथ में थाली है और मैं किसी को परोस रही हूँ और दूसरी क्लिप में दिखाया जाता है कि मेरे साथ कोई खड़ा है और मैं उनसे बात कर रही हूँ नीचे लिखा जाता है कि देखो लोगों ये ऐसी औरत है रो रो के लोगों को बताती है और ये तुम्हारे पैसों का खाना खा रही है जब मैंने मेरे, मेरे पास वीडियो आई मैंने देखा मैंने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया देखा ये तो उसके भाई रिसेप्शन डिनर की वीडियो कमेंट्री तो की थी कि आपके पैसे का ये इस तरह से इस्तेमाल कर रही है हाँ, शायद वो क्यों उसमें ये था कि यू पीपल आर वेगन एंड शी इज नॉट प्रमोटिंग वेगनिज्म पैसा कहां से आ गया डोनेशन का पैसा कहां आ गया क्योंकि वेगन लोगों ने प्रमोट किया था ना सर और उन्होंने इसलिए किया था। वो तो आपकी भाई की शादी में खा रही थी वहां पैसे थोड़ी लगते हैं मैंने अपने मां बाप को फांसी दी हुई है यहाँ पे जानवरों के कारण आपको लगता है वो अच्छा काम कर रही है

बिल्कुल भी नहीं एक यहाँ पे एक जानवर का इतना खर्चा होता है और उनके पास तो इतने सारे हैं कभी भी भी नहीं नहीं ने मदर ने जो हमारे में शादी का होता है वो बेच दिया कितना आप लोगों से पैसा खाएंगे मुझे बताइए क्या वो इनसिक्योर है हमारे काम से मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ क्या वो इनसिक्योर है हमारे काम से वो क्यों ऐसा कर रही है क्या मिलता है उनको ये सब करने से कभी किसी ग्रुप मेंबर पे अटैक कभी किसी ग्रुप मेंबर क्या मैं कहती हूँ कि जिसके घर में इतने सारे एनिमल्स उसको टाइम कैसे मिल सकता है ये सब करने का लेकिन जिस दिन आप पर कुछ साबित हो गया सबसे पहले कवर भी हम ही सच ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूं या कुछ हूँ क्योंकि एट लास्ट सी उन्होंने एनिमल्स रखे हैं हैं और वो करते हैं। आप तो मैंने, कर बात क्यों नहीं कर लेते दो? मैंने बहुत बार कोशिश की है बात करने की बहुत बार बट शी डॉन्ट इंटरनेशनल स्कूल चमो इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सिलेंस Admissions open from to to an international school, -Sani कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था उस वीडियो में एक महिला जिनका नाम नमरता हकू है उन्होंने अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको हरास किया जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि उनसे कहा जाता है कि हमें आपके जानवर देखने हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें उसके बाद जब वीडियो कॉल ऑन एयर होता है तो वहां एक न्यूड आदमी खड़ा होता है मैं कॉल बंद कर देती हूं इस तरह की हरासमेंट मेरे साथ हो रही है उन्होंने ये भी कहा मैं किसी शादी में गई थी उस शादी का वीडियो जहां मैं खाना खा रही हूं वो शादी का वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे डालकर पब्लिक डोमेन में डालकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ये कहा जा रहा है कि जो लोग मुझे पैसे देते हैं जानवरों के लिए जो डोनेट करते हैं उसका मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ और बड़ी इमोशनल भी हो गई थी वो वो आपने देखा और उन्होंने ये भी कहा था कि जो वीडियो वायरल किया है ये शादी जो हो रही है ये एक आरती नाम की एक महिला की हो रही है किसी जमाने में बहुत अच्छी दोस्त थी वो नम्रता की और ये उन्हीं के भाई की शादी है आरती के भाई की शादी है मैं वहां इनवाइटेड थी इसलिए वहां गई थी वहां का वीडियो वायरल किया जा रहा है ये आपने उस वीडियो में देखा उसके बाद जिस महिला का इसमें जिक्र हो रहा था आरती उन्होंने कॉल किया हमें उन्होंने कहा मैं भी कुछ कहना चाहती हूं मैं भी कुछ कहना चाहती हूं जो इल्जाम मुझ पर लगाए गए हैं आप मेरी भी बात सुन लीजिए हमने जरूरी समझा शायद हमारा यही काम है ये आरती जी हैं ये वही महिला हैं जिनकी बाई की शादी का वीडियो वायरल हुआ है जी जी सर कुछ सवाल मैं आरती जी पहले आपसे करूंगा उसके बाद में पूरा मौका दूंगा आपको आप अपनी बात रख सके जी। कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जी। जो वीडियो नम्रता हकू ने कहा कि जिस वीडियो में वो दिखाई दे रही हैं वो आपके बाईक की शादी थी जी जी वो वीडियो आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे डाला हाँ मेरे जो ग्रुप मेंबर्स है आप समझ लीजिए मैं नहीं डाला जी आपने डाला जी, है जी, इसके पीछे मंशा क्या थी क्यों आपने ये डाला और नम्रता हाकू जो किसी जमाने में आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी नम्रता हाकू को जो पहली बार मैंने कवर किया था आप ही के ग्रुप के लोगों ने शायद आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि आप वहां जाए नम्रता हाकू बहुत अच्छा काम कर रही है आप उनको कवर करें आप ही के रेफरेंस में वहां पहुंचा था ऐसा क्या हो गया और क्यों ज़रूरत पड़ी आप मुझे वीडियो वायरल करने की जी मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले जो आपने अपनी बात रखी कि उन्हें कॉल आती हैं और सामने एक न्यूड पर्सन खड़ा हो जाता है सर कुछ भी अगर ऐसा होता है क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ अगर हो तो वो इमीडिएट लाइव आती है आप अगर आपने देखा होगा या बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कुछ भी उनके साथ कोई कैट सेलिंग हो रही है या एनिमल्स के साथ कुछ बुरा हो रहा है वो इमीडिएट लाइव आ जाती है अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो उनको सबसे पहले ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग कि ऐसा आ रहा है ऑब्वियसली अगर किसी नंबर से कॉल आ रहा है एंड एंड द पर्सन इज इज न्यूड इन फ्रंट ऑफ हर तो शी शुड रिपोर्ट दैट और उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए बिकॉज दिस बैड सामने पता चल जाएगा कि कौन ऐसी हरकत कर रहा है नंबर टू आप जो कह रहे हैं वीडियो वीडियो का जो कंटेक्सट है वो ये नहीं है कि पैसे दे रहे हैं और वो उसका खा रही है देखिए वो एक शादी पे जा रही है तो ऑब्वियसली उसका पैसे वहां पे जो खर्च हो रहा है उसका तो कोई लेना देना नहीं है वीडियो का जो कंटेक्ट है कि वो एक ग्रुप में है दैट इज पीपल फार्म एंड पीपल फार्म जो है वो पूरा वेगनिज्म को प्रमोट करता है ओनली प्लांट फूड प्लांट मिल्क प्लांट फूड प्लांट्स एवरीथिंग और वो अपने एनिमल्स को भी वेगन खाना ही खिलाते हैं ठीक है एंड कुछ टाइम पहले क्या है पीपल फार्म वालों ने इनको डोनेशन दी है ये सब क्योंकि सबको ये यही कहती हैं कि शी इज वेजिटेरियन इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही एक जरिया था पहुँचाने का लोगों तक कि शी इज़ नॉट वेजिटेरियन शी इज ए कोर नॉन वेजिटेरियन और आप प्लीज़ अपनी डोनेशन ऐसे लोगों को देने से पहले कि चेक करिए कि क्या वो सच में वेगन है और वो वेगनिज्म को प्रमोट करते हैं आप कंटेक्सट पर ये उसका हमने लिखा हुआ है उसमें स्पेशली हमने ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि उस पैसे से वो खाना खा रही हैं या कुछ कर रही हैं हमने ये लिखा है कि जो वेगन लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं दे शुड हैव अ चेक ऑन दिस कि वो किन लोगों को क्योंकि डोनेशन जो है वो सही जगह चाहिए छह जनवरी 2022 को ये पब्लिक डोमेन में गया हुँ। हाँ। ये आपकी बाई की शादी कब हुई थी ये शादी हुई थी सर दो हजार आपको तीन साल लगे लोगों को बात हमारी तरफ से कुछ आ रहा था लेकिन जब उनकी तरफ से बहुत सारी हरकतें लाइव होने लगी तो फिर हम भी मजबूर हो गए उनके खिलाफ डालने के लिए सी। आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और क्या ये जरूरी है जो ग्रुप आप चला रहे हो जिसमें सभी नॉन वेजिटेरियन चाहिए वेजिटेरियन so उसमें नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बट हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग वेजिटेरियन हैं और हम को प्रमोट कर रहे हैं एक चीज ये कहना कि मेरे एनिमल्स जो है वो वेज फूड पे है और मैं जो हूँ एक वेजिटेरियन हूँ झूठ बोल के जो लोगों से वो करवाना वो गलत है जब हम हम लोग तो नहीं ऐसा कहते हमारे ग्रुप में बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन है मेरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन है लेकिन आरती जी एक चीज और यहाँ समझनी पड़ेगी मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि शायद आपने वो उनको एक्सपोज किया कि ये वेजिटेरियन नहीं जी आपको लगता है की नमरता हकू जो काम कर रही है मैं उनके घर गया हूँ ये कुछ छुपा हुआ नहीं है आज भी आप किसी को वहां भेज दो उनके घर से उनके रूम तक जाने के लिए कुत्तों का एक फौज खड़ी है वहां पे। जी, जी, जी और जब मैंने कल उनके पिता को देखा मेरे आज मैं आपके घर में आया हूँ आपसे बात कर रहा हूं मैंने आपसे कोई बात की पहले आप ऐसे बोलना ऐसे बोलना पूछूंगा नहीं, नहीं। मैं कभी किसी से नहीं पूछता रहा मैं ऑन द स्पॉट बात करता हूँ जब मैं उनके घर गया उनके पिताजी ऐसे लग रहे थे उनके हाथ में उस डॉगी की पोटी थी हाथ भरे हुए थे उनके वो बुजुर्ग आदमी और उसकी माँ अंदर बैठे थे वो काम कर रहे थे और नम्रता हाकू के पास से बास आती है वो चौबीस घंटे उनके बीच आपको लगता है वो अच्छा काम कर रही है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है लेकिन काम करने का एक तरीका होता है काम करने का ये तरीका होता है कि जब वो जो कहती है कि 400 जानवर उनके घर में हैं 400 जानवर के लिए सर एक खुली डुली जगह चाहिए उनको रखने के लिए एक कन्फाइनसी स्पेस में से जब आप एनिमल को रखते हो दैट इज क्री उस जानवर को हवा भी चाहिए उस जानवर को सूरज की रोशनी भी चाहिए लाने को ला दे हम रख दे भरती करके रख दे और वो जानवर एक महीने या दो महीने के बाद मर दे मर जाए तो क्या फायदा उस चीज का आप मुझे बताइए कि उन्होंने अभी तक तो कितनी अडोप्शन करवाई है ब्रीड्स की ने, लोग ने, मैं जो है आप क्वेश्चन आपने कहा कि वो जगह स्पेस कम है और उनके पास वो तादाद ज्यादा है नंबर ज्यादा जी, जी जी तो आपने इसके लिए जुडिशरी में आवाज क्यों नहीं उठाई आपने क्यों नहीं कंप्लेन की इनके खिलाफ की जो इस लोग को इसको देखते हैं उस पे आवाज उठाई हमने उनसे बहुत बार ये बात करने की कोशिश की से? कि जब जी से? नम्रता इज नॉट अथॉरिटी आपने अथॉरिटी से बात क्यों नहीं अथॉरिटी से भी हमने बात की हाँ. कि आप एक बार जाइए एक चेक रखिए हमने मेल्स भी की है मैं आपको मेल्स फॉरवर्ड कर दूंगी कि आप एक चेक रखिए जरा वहां पे क्योंकि जहां पे उन्होंने वो जानवर रखे हैं वो एक इनफ स्पेस नहीं है तीन सौ या चार सौ जानवर जो वो कहती है उनको रखने के लिए क्योंकि उन जानवरों को हिलना डुलना भी hmm. है डॉग्स नीड एक्सरसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी

अच्छे से देख रहे, कर सके। कि 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 मैंने शुरुआती दौर में बताया कि आप ही लोग थे जिन्होंने मुझे पहले हाँ, कहा था हाँ, कि आप वहां हाँ, शूट लेकिन रही है साइमन जैसे उनके पास ब्रीड्स आती है ना हमने उनको बहुत बार बोला की मैम बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो ब्रीड्स नहीं खरीदते हैं वो भी करते हैं यू गो फॉर अडोप्शन बट शीज सेट कि हक्कू घर में जो आया है जानवर पे वो यहाँ से नहीं जाएगा दिस इज बिकॉज ऑफ इमोशंस बट इमोशंस जो है सर वो इस चीज पे हावी है ना वो एक जानवर के लिए गलत है ना इमोशनली अटैच होती है तो ये था, आपने वो वीडियो वायरल किया नो दिस वॉज द रीजन की सामने पता चले कि एज शी इज नॉट वेजिटेरियन and she always promotes ki i am vegetarian this was the only reason ki she is not a vegetarian she is not a vegetarian at all अगर कोई टेस्ट होता होगा ना नॉन वेज खाने के लिए और पता चलता हो कि इंसान ने लास्ट नॉनवेज मैं ये काम पे असर पड़ेगा नहीं काम पे असर नहीं पड़ेगा बट पता क्या होता है जो, जब आप एक किसी वेगन ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो और वो वेगनिज्म को प्रमोट करते हैं इसलिए आपने ये वीडियो सिर्फ वेगन ग्रुप के उन लोगों को पूरी दुनिया को दिखा बिकॉज पीपल विल सी कि सच क्या है और गलत क्या

सर बजारे आप, आप, आप एक कमरे में नहीं एक शहर में नहीं आपने पूरे देश में उनको ऐसे एक दूसरे पता चल गया कि ये लोग दुश्मन हैं आपस में ये इतना क्यों जरूरत पड़ गई क्या इसको हम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे बैठकर मैं अभी भी आ, मैं मुंसिपल एनिमल केयर सेंटर में काम कर चुकी हूँ हमारे जो वहाँ पे वेटनरी ऑफिसर है आप उनसे भी पूछ लेना कभी कि जब भी मैं कभी बात करती हूँ ना आई ऑलवेज आस्ट की उनकी हेल्प होनी चाहिए बिकॉज शी इज हैविंग दैट मच ऑफ एनिमल्स एट हर प्लेस बट काम करने का तरीका सर काम करने का तरीका ये तरीका तरीका ये ये मैं मैं सवाल वही पूछ रहा आपसे अपने घर में जो मर्जी करता रहा आप अपने घर में जो मर्जी कर लेकिन जी, जी। वो कानून के दायरे में होगा लेकिन मुझे पता है मैं छुप छुप के कर रहा हूँ मुझे कोई पूछ नहीं रहा लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है आप मुझे ये बताए ना अगर उनके पास चार जानवर है स्पेस कम है तो उन पर यह शिकंजा कौन कसेगा आप तो कस नहीं सकते मैं तो कर नहीं सकता ये एडमिनिस्ट्रेशन के तो आपने उन तक ये अप्रोच की है हमने मेल्स करने की बहुत बार कोशिश की है कि जी हाँ लेकिन ये चीज़ उनको भी तो करनी चाहिए आगे जाके सिस्टम को कि इसी हमारे पास इतने सारे एनिमल्स हैं और मैं मतलब इतना कुछ कर रही हूँ आप हमें स्पेस अलॉट कीजिए सो दैट कि हम एनिमल्स को और बेटर वे में रख सके अच्छा हमने बड़ी बार उनके साथ कलैब करने की भी कोशिश की इनिशियल स्टेजेस में कि मैम आपकी जो स्पेस है हम एक काम करेंगे स्पेस कहीं और लेके वी विल वर्क टुगेदर बट शी नेवर एवर एग्रीड ऑन दैट शी ऑलवेज सेड कि नो आई एम रनिंग ए ट्रस्ट एंड मैं हूँ मेम्बर उसकी एंड मेरे फादर है आरती जी, जी आ, आ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये भी आपका ये आप सोचती हैं कि नम्रता हकू को जो भी डोनेशन आता है उनके जानवरों के लिए वो मिस होता है नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल भी नहीं एक यहाँ पे एक जानवर का इतना खर्चा होता है और उनके पास तो इतने सारे हैं कभी भी नहीं नहीं आपने जब वो वीडियो वायरल किया जिसमें वो आपके भाई की शादी में है क्या आपने उस वीडियो में ये कैप्शन या उसमें ये आपने कमेंट्री की थी कि आपके पैसे का ये इस तरह से इस्तेमाल कर रही है हाँ, शायद वो क्यों? उसमें ये था कि यू पीपल आर वेगन एंड शी इज नॉट प्रमोटिंग डोनेशन का पैसा कहां आ गया क्योंकि में? वेगन लोगों ने प्रमोट किया था ना सर और उन्होंने इसलिए किया वो था वो तो आपकी भाई की शादी में खा रही थी वहां पैसे थोड़े लगते हैं अगर वो खा भी नहीं, थी, नहीं। खा रही थी मैंने कहा वो प्रोच रही थी आपने नहीं देखा डिटेल में आप देखिए ना एक वेगन ग्रुप जो है और वो दूसरे लोगों को अगर आ, डोनेशन दे रहा है तो वो किस बेसिस पे दे रहा है? बिकॉज शी इज प्रमोटिंग वेजिटेरियनिज्म मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है कि जो इंसान खाता है या नहीं खाता है वो अपनी मर्जी है उसकी। Absolutely. मगर फिर ये दिखावा क्यों लोगों के सामने कि मैं नहीं खाती हूं? ये दिखावा करने के लिए एक्सपोज करने के लिए आपने वो वीडियो डाली और हमारा हमारा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था जबकि मेरे भाई की शादी साल पुरानी है तो मुझे ये जरूर लेकिन जब उन्होंने ही सारी, सारी चीज है जो हमारे ग्रुप को लेके या हमारे लोगों को लेके वो बहुत कुछ कहती रहती अगर है अगर आपसे वो वेगन पीपल जो है, जो पीपल है वो आपसे सवाल पूछे मैडम आपको दो का पता था आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपके पास क्या जवाब हो मुझे पीपल फार्म का कि वो लोग उनके साथ करने। मैं कहते हुआ है मुझे, उनको हुए। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि वो उनके साथ कनेक्टेड है ये चीज मेरे नोटिस में अभी आई है मैंने हार्डली अच्छा। महीना हुआ ज्वाइन आपको लगता है आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हो रही है आपको लगता है कि वो वीडियो पोस्ट करना कोई और भी हल हो सकता था वो गलती वो क्रॉस कर दिए हजार बार हमने उनको समझाया देखा जाए तो कुछ भी नहीं है वो भी एनिमल वेलफेयर चाहती है मैं भी एनिमल वेलफेयर चाहती हूँ लेकिन कंसर्न यह कि हम लोग अपने अपने दायरे में रह के काम क्यों नहीं करते है? हम एक दूसरे के काम में हमेशा क्यों अड़ंगा डालते हैं अगर मैं आउट ऑफ लिमिट रेस्क्यूज करती हूँ तो उनको क्या प्रॉब्लम है हम लोग खुद के पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करके हम आउट ऑफ लिमिट रेस्क्यूज करते हैं एंड शी सेंगे वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल एक बंदा खड़े करके दिखाओ कि जिससे हमने पैसा लिया और हमने उनके पैसों से रेस्क्यू किया अगर वो कुछ कह रही है उसकी भी तो कोई ग्रेविटी होनी चाहिए ना हम हमेशा वन साइडेड ही क्यों चलते हैं

हो जाए तो मुझे लगता है कि हम कामयाब हो गए बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल मेरी तरफ से तो हमेशा से आप बैठ कर बात क्यों नहीं कर लेते दो मैंने हुआ? बहुत बार कोशिश की है बात करने की बहुत बार बट शी डॉन्ट मैंने ये भी बोला कि हम साथ मिलकर काम करेंगे इसलिए आप भी इतना अच्छा काम करे हो हम भी आपके घर में जो एनिमल्स है हम उनके एडोप करवाएंगे आई अप्रिशिएट दैट आपने जो कहा नम्रता जी के लिए कि वो अच्छा काम काम कर रही है ये काम दिखता है दिखता हाँ। क्योंकि आप यकीन मानिए कल जब मैं उनके घर में गया ना आप उनसे उन... ये पूछिए कि इस मतलब इस एक वीडियो को छोड़ के कभी हमने उनके ऊपर कोई एलिगेशन उन लगाया है कि वो पैसा खा रही है या वो काम नहीं कर रही है एक एक सिंगल कुछ आप दिखा दीजिए कि हमने उनके अगेंस्ट पॉइंट भी कभी कुछ बोला नेवर बट काम करने का एक तरीका होता है इकट्ठा करने को सर हम भी इकट्ठा कर सकते हैं आरती जी आप बहुत यंग हो अभी आपने बड़ा लंबा सफर तय करना है बहुत दूर तक जाना है और इन जानवरों को आप जैसे लोगों की जरूरत है बड़ा कम होता है मैं अपनी बात करूं मैं नहीं कर सकता ये काम और ऐसे बड़ा नंबर होगा जो नहीं कर सकता आप लोगों को भगवान ने कुछ ऐसी चीजें दी है जिससे आपको ये कर पा रहे exactly. हो अब सवाल यह है कि मैं इसलिए बार बार आ रहा हूं कि कहानी उसी वीडियो के इर्द गिर्द घूम रही है आज आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आप अपलोड नहीं करते उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना होता या आप कुछ भी करना चाहते तो कोई और ऑप्शन था आपके पास ये जल्दबाजी में हुआ या किसी के ये बिल्कुल जल्दबाजी में, में, हो गया नो 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 इन्फ्लुएंसमेंट नहीं सर किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हुआ सी शादी का वीडियो जो वो मेरे घर का है तो कोई मुझे क्यों इन्फ्लुएंस करे उन्होंने लिमिट्स बहुत ज्यादा क्रॉस कर दी थी मैं आपको कह रही हूँ आपके खिलाफ कंप्लेन की जी जी मुझे पता है

चक्करबाजी ये बहुत आगे गई जब आप सोश, सोशल प्लेटफॉर्म सब कुछ और लोग आपकी इस सब बातों से अपना वक्त गुजारेंगे झगड़ा हाँ, चल रहा है हमारा टाइम पास बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये ऐसी पहली चीज है जो हमने उनके बारे में लिखी है और अगर आप पिछले एक डेढ़ साल से देखोगे हर हफ्ते हर दस दिन के बाद वो कुछ ना कुछ करती रहती है ऐसा क्यों उनको क्या दिक्कत है हमारे काम से क्या वो, इन, कर क्या वो बात करने क्या वो इनसिक्योर है हमारे काम से मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ क्या वो इनसिक्योर है हमारे काम से वो क्यों ऐसा कर रही है क्या मिलता है उनको ये सब करने से कभी किसी ग्रुप मेंबर पे अटैक कभी किसी ग्रुप मेंबर मर... क्या मैं कहती हूँ कि जिसके घर में इतने सारे एनिमल्स हैं उसको टाइम कैसे मिल सकता है ये सब करने का टाइम तो होता ही नहीं है क्योंकि सुबह खाना शाम को खाना दोपहर को खाना फिर बाकी टाइम पे क्लिनिक और भी मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जहाँ पे हमारे पास सर इतने सारे एनिमल्स हो हमारे पास एक पैरावेट की टीम होनी चाहिए उस घर में डॉक्टर की टीम होनी चार सौ एनिमल्स का चेक रखना इज इम्पॉसिबल हाउ हाउ थ्री पीपल कैन मैनेज फोर हंड्रेड डॉग्स आई फुली एग्रीड लेकिन ये कौन, रक, कौन करेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग करेंगे ना जी ये काम उनका है जी तो आपको उनको अप्रोच करना चाहिए भाई ये सब हो रहा है उनको दिखाना एक, चाहिए एक मंकी है शायद से उनके घर में आपको एक मंकी का हैबिटेट पता है कैसा होना चाहिए मंकी का हैबिटेट कैसा होता है पेड़ पे इधर से छलांग उधर से छलांग ये वो करके सो दैट ही कैन स्ट्रेच हिज आर्म्स लेग्स ट्री टॉप पे वो सोते हैं उसको एक कन्फाइंड सी स्पेस पे लाकर रख दिए अगर हम इंडियन पैनल एक्ट के अकॉर्डिंग देखिए दिस इज क्राइम टू पेट ए मंकी एट होम बट पता क्या होता है बात वही इमोशंस की होती है हम नहीं चाहते अब उन्होंने दिया है उसको घर रखा है तो चलो ठीक है यार बट उसको एक प्रॉपर वो हैबिटेट तो बना के रखे क्या फायदा अगर वो मंकी हज साल के बाद या दो साल के बाद उस स्ट्रेस से मर जाए और हमें लगेगा कि एक नेचुरल कॉज की वजह से मर जबकि वो नेचुरल कॉज नहीं होगा वो उस वजह से होगा कि उसको जो वो हैबिटेट चाहिए था वो नहीं मिला उन्होंने लाया वो बीमार था बिन माँ के था क्रिटिकल था इलाज करवाया लेकिन जब वो ठीक हो गया उसको वापस उसके हैबिटेट पर भेजना चलो नहीं माना मैंने वो भी इमोशनली अटैच हो जाता है बंदा लेकिन उसको वो एक हैबिटेट दो देयर आर सो मेनी थिंग्स एक डॉग जब आप एंटर करते हो ना यू नीड एन आइसोलेशन होम यू डोंट नो कि एक डॉग जो है वो क्या वायरस कैरी करता है उसी डॉग को जब आप 10 डॉग्स के साथ इकट्ठा करते हो वो जो वो वायरस कैरी कर रहा है तो वो वो 10 भी करते है। ये कहाँ की इस चीज का हमें नहीं पता उनको क्या चाहिए करो, बात पे ये गलत हो रहा है उन लोगों से बात जाओ लेकिन ये जो सोशल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो ये क्राइम हो जाएगा ये क्राइम है आई नो दैट बट स्टार्ट उन्होंने किया है वो इसको डेढ़ साल से यूज कर रहे हैं और हमने अब किया है

उनका प्रॉब्लम हर किसी के साथ है एक सेव एन है उनकी चेयरपर्सन रंपी मदान है मैं आपसे नंबर शेयर करूंगी आप बात करिए देर आर सो मेनी पीपल सी दिक्कत खाली मुझे हो सकती है ना अगर प्रॉब्लम मगर मैं आपको कोई सौ लोगों का नंबर दूंगी और सौ लोगों सौ लोगों को तो नहीं तो ना सेम एक पर्सन से दिक्कत हो सकती है और वो वैसे सौ लोग होंगे जो उनके बहुत सगे उनके साथ रहे थे जो आज की डेट में नहीं है मैं एक अगर नहीं हूं तो मान सकती हूं या दो अगर नहीं है तो, तो मैं लोगों मान सकती हूं अगर इतना बड़ा नंबर है जिनको दिक्कत आ रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि एक सही लेने में क्या दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं है तो हम नहीं लेते लोगों लेते का सर एक प्रॉब्लम है कि हर किसी का काम करने का एक तरीका है और शायद से हम सब लोग मिलकर काम करना ही नहीं चाहते आरती जी इस तरह से बात करने से बात नहीं बनेगी कि वो इतना हम सो लोगों को प्रॉब्लम है ये वो कर रही हैं गलत कर रही हैं तो उसके लिए आप उसके लिए कोई जो कानून में जुडिशरी में है वो क्यों नहीं अपनाते वी वी विल For sure we will. हम करेंगे अब क्योंकि जुडिशरी का जो सिस्टम होता है वो बहुत लंबा होता है उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है एज हम लोगों को अपना जॉब भी है हम लोगों के साथ ये एनिमल्स भी कनेक्टेड है तो इस वजह से हम हमेशा इंसान क्या सोचता है कि छोड़ यार जैसा चल रहा है वैसे चल दे लेकिन अब मुझे लगता है कि जरूरत है काफी लोगों हाँ। के काफी लोगों का ट्रस्ट ब्रीच हो गया जो लोग आपको भी और उनको भी डोनेट करते हैं वो आपको और उनको डोनेट करने से पहले एक अच्छा कुछ क्या, कहना क्या, 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 क्या क्या चाहते चाहता है मुझे कोई डोनेशन नहीं आती है सर नहीं हम नहीं, अपने मैं फिर अपने फिर अपने बोलता हूँ जिनको भी आती है जी, जो जी, एनिमल को रख रखाव रखते हैं जी, वो लोग उनको एक रुपया देने से पहले आपका ये वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि मैं सही जगह दे रहा हूँ जो नहीं ये गलत मैसेज नहीं जा रहा। मैं आपके मीडियम से ये कहना चाहूंगी कि जो लोग उनको डोनेट करते हैं वो बिल्कुल उनको डोनेट करे बिकॉज शी इज हैविंग एनिमल्स खर्चा होता है और ऐसा नहीं है कि शी इज यूजिंग एट ऑन रॉन्ग साइड बट ये है कि काम करने का तरीका चेंज करना चाहिए आपको इससे शिकायत है? जी हाँ मुझे इस चीज से शिकायत है कि आप उतनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जितनों को आप अच्छे से रख सकते हो अब आप आरटीआई के लिए अप्लाई करो जब आपके पास 400 सौ एनिमल है आपको क्यों नहीं गवर्नमेंट लैंड अलॉट करती इतनी तो फ्री हमारे यहाँ पे लैंड पड़ी है आप जेडीए में जाओ अप्लाई करो सो so ट कि आपको लैंड मिले और आप अच्छे से रख रखा आप को आप देखिए कैसे लोग सामने आएंगे हम एट लास्ट हम क्या चाहते हैं एनिमल वेलफेयर और एनिमल का वेलफेयर ट्रूली वे में होना चाहिए वो जो डिजर्व करता है उसको वो मिलना चाहिए दो बाई दो या तीन बाई तीन का केज बाथरूम ये ये जगह है नहीं सर एक एनिमल को भी ये देखिए मैं हम ही अगर एक जगह पे कांस्टेंट रहेंगे कोई दस दिन क्या हाल होगा हमारा वैसे ही एक सेम एनिमल को भी एक खुली डुली स्पेस चाहिए मेरी शिकायत उनसे यही है कि एक खुली डुल्ली स्पेस में आप एनिमल को रखो उसको कन्फाइन मत रखो खाना दीजिए और आप देखिए दस डॉग्स को आप खाना दे पाएंगे नहीं देंगे वो एक दूसरे को खाने ही नहीं देंगे आप तीन सौ डॉग्स को या चार सौ डॉग्स को कैसे खाना दे सकते हो तीन लोग वो भी इज दिस पॉसिबल हो system

हमने कितनी सारी ब्रीड्स अभी तक अडॉप्ट करवाई है हम उनकी ब्रीड्स उससे क्या होगा उनका बोझ हल्का नहीं होगा उनके पास जो पप्स आए सपोज पप्स आए वो थोड़े बड़े हुए क्यूट क्यूट से सो लगा के हम एडॉप्शन कैंप स्टार्ट करेंगे दैट कि उनके वो पप्स अब वही पप्स उनके घर में बड़े हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं वो एक दूसरे के साथ मेट कर रहे हैं बच्चे बढ़ रहे हैं आबादी बढ़ रही है इज दिस इस दिस्यूशन क्या ये सोल्यूशन है इस चीज का नहीं हमें सोल्यूशन ढूंढना है अगर जानवर एक अस्पताल में भर्ती हो रहा है उसको सात बीमारियाँ लगती है जैसे हम बच्चों में वैक्सीनेशन लगती है ना आप सब समझ रही है बात लेकिन आरती जी आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल उसमें सहमत हूँ लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ और ये नम्रता हकू जी का भी हम कह सकते हैं कि उनका भी हम पूरी तरह से उनको गलत नहीं कहेंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर चेक रखना चाहिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए आपका ये नंबर है इतनी स्पेस है ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है जो सिस्टम का है कहीं वहाँ भी वो भी लैप्स कर रहा है मैं आपके मीडियम से ये उनको कहना चाहूंगी कि मैम आपके पास जो ब्रीड्स आती हैं या हैं आपके मीडियम से हाँ। आप हमें करिए हम पूरी कोशिश करेंगे बहुत तो बार, हमें इतना कुछ बहुत नहीं करना बार सर हमने बहुत बार बट बट वो नहीं वो उनका ये कहना है हकू घर में जो एक बार आया वो यहाँ से नहीं जाएगा कुछ और कहना चाहते हैं वो नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ या कुछ हूँ क्योंकि एनिमल्स रखे और वो करते हैं मुझे मैं... मुझे मैं आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं जब आपके पास आया जब वीडियो चला जब मैं आपके पास आया तो मुझे लगा था कि एक वाली आरती मुझे देखने को मिलेगी <laughs> लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा आपने उनके काम को सराहा भी लेकिन कुछ सवाल आपने जरूर खड़े किए वो सवाल मुझे भी लगता है कि वो सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने चाहिए अगर कुछ इसमें कुछ रहता है बात आपका पॉइंट वैलिड है आज चार सौ है कल आठ हो जाएंगे हजार हो जाएंगे लेकिन इसके लिए ना तो जमींदार उसकी रिस्पॉन्सिबल नमता हकू है ना आप हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है हाँ आपका रोल ये है एडमिनिस्ट्रेशन तक एक बात पहुंचानी लेकिन वो तरीका आपका मुझे लगता है थोड़ा सर फिर वो पता है क्या जब हीट एक्सचेंजेस होते हाँ, हैं हाँ, है, जब उन्होंने हाँ, स्टार्ट किया हमने भी स्टार्ट किया चलो ठीक है ठीक है आरती जी ये दूसरा पक्ष था जो नम्रता जी ने कल कहा आरती जी ने आज उनको सवाल भी खड़े किए और उनकी तारीफ भी की कि वो जो काम कर रही हैं अच्छा कर रही हैं और इन्होंने जे भी, ये भी कहा मैंने पूछा कि क्या जो डोनेशन का पैसा आता है वो गलत इस्तेमाल होता है इन्होंने कहा नहीं नो no, नेवर तो मुझे लगता है कि दोस्ती अभी भी कहीं सांसें ले रही है लेकिन जो एक ईगो कह सकते हैं इसको नहीं मेरी साइड से कोई नहीं है आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प अगर मेरे पास कल को बहुत सारा अमाउंट आएगा तो आइस आइस है, जिसको तोड़ने की जरूरत है जी, आप लोग ये आपस में कर लेंगे जी, बहुत जी, अच्छा जी, होगा पर यही था जनाब आपके साथ शेयर करना था उस कहानी का जो दूसरा पहलू था कहाँ से स्टार्ट हुई ये हमने आपके साथ शेयर किया आज शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह द स्टेट सेंटिनल के लिए